हमेशा फलस्तीनी हो या गजा पट्टी के लोग हो, यही जंग में सोचते हैं कि जब जंग होती है तो अरब कंट्री साथ में आएंगी। उसके बावजूद अभी क्या हो रहा है, अरब कंट्री कहाँ खड़े हैं, इस वीडियो में देखते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ बीबीसी का। इसराइल और फलस्तीनियों का विवाद कई बार जंग का रूप ले चुका है। ऐसे में फलस्तीनियों को उम्मीद रहती है कि अरब के इस्लामिक देश कम से कम इसराइल के खिलाफ उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन सबके अपने अपने हित हैं और उसी के हिसाब से सबकी प्रतिक्रिया होती है। ताज़ा संघर्ष में भी ऐसा ही कुछ देखने को, और ये कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले ही साल 2020 में जब यूएई, मोरक्को, बहरीन और सूडान ने अब्राहम एकॉर्ड्स के जरिए इसराइल को मान्यता दी तो तुर्की ने इसका विरोध किया था, जबकि तुर्की के इसराइल के साथ राजनयिक संबंध पहले से ही थे। तुर्की इसराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश भी था। 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6 अरब डॉलर से ज्यादा का था। हमास के हमले से ठीक पहले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान इसराइल जाने वाले थे। सऊदी अरब भी खुलकर फलस्तीनियों के अधिकारों की बात करता है, लेकिन इस हद तक नहीं जाता कि पश्चिम को एकदम से नाराज कर दे। यूएई ने तो इसराइल और गजा में मौजूदा हिंसा के लिए हमास को ही जिम्मेदार ठहराया है। वहीं ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है और इसराइल पर सीधे उंगली उठा रहा है। ईरान के हितों का अपना समीकरण है और उसी के हिसाब से वो प्रतिक्रिया दे रहा है। सऊदी अरब और हमास के रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 1980 के दशक में हमास के बनने के बाद से सऊदी अरब के साथ उसके सालों तक अच्छे संबंध रहे, लेकिन 2019 में सऊदी अरब में हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। साल 2000 के आसपास हमास की करीबी ईरान से बढ़ने लगी थी। दिलचस्प बात यह है कि हमास एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है, जबकि ईरान शिया मुस्लिम देश है, लेकिन दोनों की करीबी इस्लामिक राजनीति की वजह से है। बहरीन का रुख करें तो उसने हमास के हमलों की आलोचना की है। वहीं यूएई ने हमास के हमले को गंभीर और तनाव बढ़ाने वाला बताया है। इन सब के बीच सऊदी अरब ने संतुलन बरतने की कोशिश की है। हालांकि उसने इसराइली कब्जे का जिक्र किया है और हमास के हमले की निंदा ना करते हुए खुद को फलस्तीन के साथ खड़ा दिखाया है। वहीं कुवैत, ओमान और कतर ने इसराइल पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर से फलस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की मांग दोहराई है। मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने भी फलस्तीनियों के प्रति समर्थन दिखाया है। इसराइल दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी यहूदी है। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी सैन्य ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसराइल भूमध्य सागर के पास मिडिल ईस्ट का देश है। इसके आसपास मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, तुर्की, ईरान, कुवैत, मोरक्को और सऊदी अरब जैसे कई मुस्लिम देश हैं। इनमें से कई ऐसे भी देश हैं जो इस्लामिक देशों के संगठन OIC के सदस्य हैं और उनकी अमेरिका से भी दोस्ती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये तमाम इस्लामिक देश फलस्तीनियों के लिए आपसी मतभेद भुला देंगे। खाड़ी के कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके तलमीज अहमद इस बारे में पहले कह चुके हैं कि इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया दिखावे भर से ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर इस्लामिक देश राजशाही वाले हैं और वहां की जनता का गुस्सा जनादेश के रूप में आने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे में वहां के शासक फलस्तीनियों के समर्थन में कुछ बोलकर रस्म अदायगी कर लेते हैं। फलस्तीनी मुद्दे को समर्थन देना ईरान की विदेश नीति का एक जरूरी पहलू रहा है। सऊदी अरब और इसराइल के बीच कभी कूटनीतिक रिश्ते नहीं रहे, लेकिन ईरान दोनों का साझा दुश्मन है। लगभग पूरे मध्य पूर्व में समर्थन और सलाह के लिए कुछ देश ईरान तो कुछ सऊदी अरब की ओर देखते हैं। इसराइल और फलस्तीनियों के मुद्दे पर भी ऐसा ही होता दिख सकता है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि कौन सी घंटी कैसा है। हम देखते हैं कि तुर्की सपोर्ट करेगा इसराइल को, गजा को, इस तरह से सोचते हैं। वो भी जाकर इसराइल से रिश्ता मजबूत किया। सऊदी अरब इतने सालों से खामोश था, अभी जाकर के इसराइल को इसराइल के साथ हाथ मिलाने की तैयारी भी हो रही थी। उसके बारे में बहुत सारे बयान भी आए थे। ज़्यादातर उसको बिजनेस की पड़ी रहती है, बिजनेस ही देखेंगे ये लोग। दूसरे कंट्रीज़ का तो पता नहीं। ईरान बहुत कुछ किया है इसराइल के ख़िलाफ़, बहुत कुछ किया है।
सीरिया बहुत कुछ किया है इसराइल को ख़त्म करने के लिए। इसराइल